टाइम तब का है जब साइंटिस्ट अलग अलग जानवरों को रिसर्च करने के लिए उन्हें कैद कर लिया करते थे। लिंडा भी उन्हीं चीजों पर रिसर्च कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात 3 चिंपैंजियों से हुई। रिसर्च के दौरान उन चिंपैंजी और लिंडा एक दोस्त बन चुके थे, लेकिन रिसर्च के बाद लिंडा को उन तीनों चिंपैंजियों को आजाद करके जंगल में छोड़ना पड़ा और लिंडा अपनी स्टडी में वापस से लग गई। देखते देखते 18 साल बीत गए और जब 18 साल बाद लिंडा उन चिंपैंजियों से मिलने वापस आई तो उन्हें ये पता नहीं था कि चिंपैंजी उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं, या फिर कहीं उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर देंगे। पर वो जैसे ही चिंपैंजियों के सामने आई, उन्होंने उसे हंस के गले लगा लिया। लिंडा ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों, आपको लिंडा और चिंपैंजियों की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।